व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में ठोका। पाकिस्तानी एंग्री रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। देखते हैं भैया क्या क्या प्रतिक्रिया निकल के आई है पाकिस्तान के लोगों की। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग, मिस्टर इंडियन बेकर भाई की वीडियो है। और भैया मैच जिसने भी देखा होगा ना, तो वो अभी तक ऐसे कह रहा यार, बैटिंग तो बैटिंग, बॉलिंग भी लाजवाब, ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। और पाकिस्तान वाले मुझे लगता है कि काफी टाइम के लिए उभर नहीं पाएंगे इससे, क्योंकि एक होती हार, एक होती बुरी हार, एक होती बेहतरीन बुरी हार, बेहतरीन बुरी हार। हो करते हैं वीडियो शुरू, 1 2 3 गो। मौका मौका गाना लॉन्च कर दिया, इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज टकराव। मौका 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 ये निकाल दिया ना कैसे भाई। मौका 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 मौके पे ठोका ठोका मौका 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 मोका मोका मोके पे ठोका ठोका मोका 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 जीत गए भाई, जीत गए। कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें, कहां से स्टार्ट करें, क्यों ना छल्ली से स्टार्ट किया जाए। यस बढ़िया, थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, सुनते हैं क्या कहा था। मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं, वो कल मैच देखे ही ना। बढ़िया, और ठोकू ठोकने के बाद जनता क्या कह रही थी, बारिश हो जाए और मैच ड्रॉ हो जाए। आई थिंक सारे पाकिस्तानी यही चाह रहे होंगे कि यार बारिश हो, सबकी नजरें आसमान पे ही होंगी कि कब पहली बूंद गिरेगी पानी की। और दुआ करो कि बारिश हो जाए या सलाब आ जाए, उठे गोटा गोटा पानी खड़ा हो जाए, डड्डू बोलन के पाकिस्तानी टीम है जेड़ी तितर बितर हो जाए। सब बैठ के दुआएं मांग रहा था मैंने कि यार अलग अलग बारिश करा दे, फिर से एक दफा ये ड्रॉ ही हो जाए, ताकि एक पॉइंट तो आए और इज्जत भी थोड़ी सी बच जाए, ताकि फिर हम कह सके यार 350 तो हमने चेज कर लेना था, ये तो हमारे पास बैटिंग नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि पिछली बार कहा था, सिर्फ नसीम शाह और जो है ना शाहीन अफरीदी ओपनिंग आ जाए वो कर जाते सारा। उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तानियों तैयार हो क्या ना, ये तो श्रीलंका, अगला जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में है, तो वहाँ आपके साथ क्या होगा ये आपको पता चलेगा। रुको जरा, मैं कहता हूँ इतनी खुशी इंडिया में नहीं आज हुई जितनी पाकिस्तान में हुई है कि विराट कोहली चल गया अभी, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे भी फैन हैं, ऐसे भी। हम तो कल से कह रहे थे कि बारिश हो जाए, लेकिन आज भी मैं लोगों को दुआएं करता देख रहा था, या अल्लाह आज बारिश बरसा और बहुत तेज बरसा। चाहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है, फरियाद करने से क्या होता है, आगे मंजूर भी तो होनी चाहिए। खुदा सुनता कहाँ है पाकिस्तानियों की, एक अरसा हो गया, सालों बीत गए, खुदा ने पाकिस्तानियों की फरियाद सुनना बंद कर दिया है। हमारी औकात यही है, हम दो दिन पहले बातें कर रहे थे। इंडिया में डर का माहौल है। जी जी बिल्कुल, इंडिया में डर का माहौल है। ठीक है, इंडिया के आप मीडिया सुने तो वो पहले से डरे हुए। ठीक है, समझ गया। बाबर आजम से वो डरे हुए हैं। अभी क्या भूत है वो? भूत इन पाकिस्तानियों ने हवा बना के रखा था, हवा बना के रखा था। बाबर 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 खुद से पूछ लो, वो कहता मैं अभी बच्चा हूँ विराट कोहली। और ये बाबर 11 के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है, और इंडियन क्रिकेट टीम से, क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। बाबर को नजर बता जरा, कभी जितनी होनी चाहिए थी ना उससे ज्यादा खिंचाई हो रही है, उससे ज्यादा पिलाई हो रही है तेरी वजह से। और सुनिए, पाकिस्तान में रिवाज है जिस फील्ड की नॉलेज ना हो ना उसमें टांग पूंछ अड़ंगी डालने की। वो छतरी चोर भी पीछे नहीं था, ट्वीट किया था शाहीन और उसको दोबारा रीट्वीट करके फिर शाहीन के लिए लिखा था। आज वो भिखारी दिख नहीं रहा है, ट्वीट नहीं कर रहा है। कौन था? मैं उस भिखारी को, शहबाज शरीफ को आज इतना अच्छा कहना चाहता हूँ चैलेंज के साथ कि तू वाकई क्रिकेट का फैन है तो आज विराट कोहली के लिए तू एक ट्वीट करके बोल के ये हमारा ऑफिशियल फादर है। और मुझे पता है तू मैच देख रहा है। भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो और कोई देखे ना। हाँ वो अलग बात है कि पाकिस्तान में कुछ चीजों पर बैन लग जाता है, लेकिन लोग छुप कर देखते हैं, टॉयलेट में बैठ कर देखते हैं, पर देखते जरूर है। देखते जरूर है। ये शुरू से इनका यही हाल है, ये इनका शुरू से ये हाल है कि अगर एक दो विकेट ले ले तो फिर बाद में इनका एक कैच छूट गया या कुछ कुछ हो गया या कि गोडा निकल गया।
इनके साथ ऐसा होता रहता है। क्यों होता है? मतलब हम कब जाके जिसको कहते हैं चिकड़ी अनफिट है ना, अनफिट है ये, जितने भी इनके हमारे प्लेयर है ये सब अनफिट है यार। इनको चाहिए क्रिकेट छोड़ के कोई और काम पकड़ ले। क्या बात करते हो, ले देखे पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही तो है जो थोड़ी ठीक है, बाकी काम इनको क्या आता है। मजाक करता भाई, बाकी इनको क्या आता है। कितना दुख हुआ आज आपको, आज के जब मैंने देखा ना विराट कोहली को खेलते हुए, ठीक है, ऐसे लग रहा था जैसे वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। नंबर वन टीम है हम यार, ये तो मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे पहले कभी जिम्बाब्वे नहीं खेलता था, वो वाली टीम लग रही थी मुझे, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सो के आ गए। कमाल है, मैंने हिदायत दी थी पिछले वीडियो में, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि भाई सो जाओ, जितना सो सकते हो सो जाओ, बाद में जनता सोने नहीं देगी, यही कहा था ना। पर ना बाबर एंड टाबर को तो लगता था वे भूत हैं, खा जाएंगे दबोच लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज का मैच देखकर मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ। बोला उनके दिल में एक जो ना खौफ था ना पैदा हुआ कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ये कर देंगे ये कर देंगे, पिछले मैच में ऐसे ही है, डरे हैं, लेकिन इस मरतों ने कहा कि देखा जाएगा जो होगी देखा जाएगा, वो चढ़ के खेले हैं, आगे बढ़ के खेले हैं, फ्रंट फुट पे आए हैं इस मरतबा। यहाँ पे मैंने बॉलिंग देखी है, मैं दिल छोड़ बैठा था, मैंने मैच बंद कर दिया था देना, मैं कहा कि नहीं यार अब फायदा कोई नहीं है। एक बंदा कुलदीप यादव पूरी टीम को ढेर करके चला गया और आपके पास बैटर नहीं है। टीवी तोड़ने के पैसे तो जरूर तोड़ते, मैं तोड़ देता यकीन कर। नहीं नहीं आप टीवी को संभाले, अभी जैसा कहते हैं ना बड़ी जरूरत है टीवी। डॉलर का क्या भरोसा, 350 से 307 पर आया वापस चला गया 400 पर, तो टीवी बेचना पड़ सकता है, काम आएगा ना, ना तोड़ना मत। विराट कोहली अकेले ने 122 रन मार दिए हैं, जो है वो हमारी पूरी टीम 128 पे ऑल आउट हो गई है। इनको चाहिए रेडियां लगा लें, ये कच्चे धो लें। यार ये तो गजब, ये कोई ट्रेडिंग शुरू कर दें, कच्चे बनियान भेजना शुरू कर दें, ये क्रिकेट छोड़ दें। कौन जिम्मेदार है, बस नाम बता दें। जिम्मेदार यार वही है जो खेल रहे हैं। छोटी टीमों से तुम मैच जीत के नंबर वन पे आ रहे हो, तो मुझे कोई मैच ये तो सच्चा है। केएल राहुल से भी सेंचुरी खा ली। क्या मतलब भाई, राहुल से भी, राहुल भी अच्छा प्लेयर है यार, अब उसको मौका मिल रहा है, अगला मार रहा है। इनसे कल दो आउट हुए, आज सारा दिन आउट नहीं। विराट कोहली का हमने क्या बिगाड़ा, एक और सेंचुरी। विराट कोहली का मुझे बताएं, ये मतलब क्या पाकिस्तान के खिलाफ ही रन करने होते हैं ये, बस इनकी किस्मत कह लो, किस्मत नहीं काबिलियत, सब कुछ फरियाद और किस्मत के बिना पर नहीं चलता ये सिस्टम, ये सोच सिर्फ आप लोगों की है। कुदरत का निजाम है, दिन रात सर्दी। कौन भौंक रहा है ये पत्ता? 128 पर ही पूरी टीम आउट हो गई है, तो क्या कहते हो यार आप इस पर? यार देखो, हम तो इंडिया से प्यार करते हैं, इंडिया हमारी जान है, क्योंकि हमारे बाप दादा लोग उधर से ही आए हैं। अच्छा। सो हम उनको पार्टी बदल ली यार इंडिया के जीत। भारत भी एक तगड़ी टीम है, पार्टी बदल ली यार इंडिया के जीत। पार्टी कहाँ पे बदली, हम तो उनकी उन्हीं के फैन हैं, शुरू से उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। कहेंगे यार बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, सलमान आगा, कोई भी नहीं चल पाया यार। 128 रन पे यार ऑल आउट हो गई है, हमारे तीन जो बैटर हैं नंबर एक मतलब कि आईसीसी रैंकिंग में जो है टॉप 10 में है, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ आपको याद है जी 151 रन का ढेर लगाकर, बेशक उसकी ओडीआई रैंकिंग है नंबर वन पे है, मगर वो हमेशा भी कभी भी इतने बड़े मैच में नहीं चला, कभी भी उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी कि वो एक बड़े मैच में अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। सो उसने छोटे छोटे मैचेस में अपनी स्कोर और टारगेट बनाए हैं। बाबर टाबर है अभी, टाबर राजस्थानी वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चा, बच्चा बच्चा है अभी, जैकी दादा के स्टाइल में बोले तो बच्चा है तू। ये यकीन करे मुझे तो अटैक आने लग पड़ा था। रहने दे, पैसे उतने ही मिलने हैं, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। चल भाई दे देना इसको 50 रुपए ज्यादा। तो आपको क्या लगता है नंबर वन कौन है भाई? देखें दुनिया जो भी कहे, विराट कोहली नंबर वन है, इंडिया नंबर वन है, मैं हूँ पाकिस्तानी लेकिन इंडिया भाई हर चीज में हमसे सबसे आगे है। कोई ताज्जुब नहीं भाई, कोई ताज्जुब नहीं, आजकल हर एक पाकिस्तानी यही कहता, कोई नई बात नहीं बोल रहे। 24 करोड़ की अवाम है, उसके अंदर इस तरह के घटिया तरीन लोग हैं, इस तरह की टीम बनती है आपको तो पता ही नहीं है। वो शहनशाह जी वो पहली बॉल पे जो विराट कोहली की वो विकेट निकाल लेगा, आज उसने बताया आजा बेटा। मैं किंग हूँ यार। आज ना मैंने देखा कि ना पवेलियन में जो लाइट वो थी, कैमरा था, वो तो सारा ऊपर से या तो पवेलियन में जा रहा था या फिर ऊपर ही जा रहा था, नीचे बॉलिंग और बैटिंग पिच पे तो आया ही नहीं ना। जैसे इन पाकिस्तानियों के जमीन पर पैर नहीं लगते ना, उस तरह से फोकस ही नहीं आ रहा था कैमरे का, कभी चौका लग रहा है उसके बाद छक्का लग रहा है, ड्रोन पागल हो गया, ड्रोन की गर्दन अकड़ गई। आज विराट कोहली ने जब कदम रखा ना ग्राउंड में, उससे पहले जानते हैं पाकिस्तान में क्या दुआएं चल रही थी। उसे नारियल दो, तीखा लगा, वरना इस बार वो पिछली बार का हिसाब पूरा कर जाएगा।
अच्छा कर भी दिया। दोस्तों आपने सुना तो होगा पाकिस्तान को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है, मतलब कि वैसे कहें तो शुद्ध शाकाहारी हिंदी में इसका मतलब होता है पागल। जैसे पागल का भरोसा नहीं होता ना कब क्या करेगा, वही कहानी इनके साथ है। सिर्फ टीम के साथ नहीं, हर कोई पहले कुछ बोलता है बाद में कुछ बोलता है, इसको देख लो बिफोर। इसे इसकी मर्जी के ग्राउंड पर शिकस्त देंगे। आफ्टर द मैच जी हम कोई जंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कहां मैच है। लेकिन यहां भी पाकिस्तानी मात खा गए। इस एक मैच ने पाकिस्तान को इतना खास बना दिया कि अब हर कोई इनकी डफली बजा रहा है। रिकॉर्ड हार हारा है पाकिस्तान, 228 रनों की हार। बदलता है पाकिस्तान, नया पाकिस्तान जो है। तो दोस्तों अभी के लिए बस यही, दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। गाइज ये वीडियो शेयर कर देना जितना हो सके पहले तो, और दूसरी बात बहुत मस्त वीडियो भाई ने बनाई, एडिट बहुत गजब करी थी, एक वो पठान भाई का भी बढ़िया था। करना ट्वीट करना उस टाइम पे, तो वो उनका जो प्राइम मिनिस्टर इतना हवाबाज हो रहा उस टाइम पे कि हरा दिया ये करता यार, शोभा नहीं देता कि इस तरीके जो लैंग्वेज थी उसकी, उस तरीके से जो उसने ट्वीट, मैं वो पूरी याद नहीं आ रही, उसने शहबाज शरीफ ने ट्वीट करी थी जब इन्होंने हराया था हमें उसमें पिछले साल एशिया कप हराया था, कहाँ पर, हाँ वहाँ पर, हाँ हाँ तब, तो अब कह रहे कहाँ गायब हो, अब तो प्रधानमंत्री नहीं है वो, अब तो उसकी ट्वीट की वैसी वैल्यू खत्म हो गई, जो वैल्यू थी दो चार वो भी खत्म हो गई। नहीं ये चीज तो है, ट्वीट वो नहीं बोलते गौरव आर्य सर कि इनकी जो हर चीज है ना, चाहे वो क्रिकेट हो, अब तो मैं क्रिकेट भी बोलूंगी, चाहे वो वैसी हर चीज, इनकी ट्विटर पे वो चलती है हमेशा, समझ रहे कि ट्विटर में हम आगे निकल जाएंगे, हम आगे सबसे पहले ट्वीट करेंगे, वही वाली बात है ना, टूटी फूटी इंग्लिश में करें पर हम करेंगे सबसे, क्योंकि इनका जज्बा अलग है, अलग बाकी दुनिया का जज्बा अलग है, ये अलग जज्बे के साथ चलते हैं। और वो फिजा खान को ही देख लो, स्टार्टिंग में क्या करी, मुंह तोड़ जवाब देंगे तुम्हारी पसंदीदा, ये विराट कोहली के लिए कहा था उसने कि विराट कोहली फेवरेट ग्राउंड है ना, वहीं खेलना चाहती है इंडिया, तो वहीं पर ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे लग रहा है ये इंडिया की तरफ से कहेगी। इंडिया ने भाई साहब धागे खोल दिए, मजा आ गया था मैच में। और उसके बाद अगर एक बात करें, ये चीज देखना, पाकिस्तान वाले भी फैन है रोहित शर्मा हो गया विराट कोहली के, वो वाली बात है ना कि उनको पता है कि एनी डे वो बहुत बेटर है पाकिस्तानी बैट्समैन से, क्योंकि वो बेहतरीन से बेहतरीन सरकमस्टांसिस कंडीशंस में उन्होंने अच्छा किया है, प्रूफ किया है। और ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि पाकिस्तान थोड़ी कमजोर टीमों को कई बार हरा के या फिर उस तरीके से भी खेल के नंबर वन पोजीशन पे है और ठीक है, क्या कह सकते हो उस बारे में, हम कोई उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो जीता वही सिकंदर होता है। और अभी तो वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, वर्ल्ड कप भैया जीतना है तो है, और मुझे लगता है कि इंडिया में तो एक एडवांटेज है, लेकिन साथ ही साथ एक टीम का कॉम्बिनेशन मैटर करता है, जो कि कल हमने देखा शुरू के चार जो पिलर है ना हमारे भाई साहब, वो ही बहुत खतरनाक है। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, और बॉलिंग भी कल बहुत गजब अटैक देखने को मिला, बॉलिंग अटैक। और कल तो मोहम्मद शमी खेले नहीं थे, वो भी खेलते तो और एक कॉम्बिनेशन अलग। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।